हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कंक्रीट के ग्रेड के बारे में बताने वाला हूँ कि कंक्रीट का ग्रेड हम लोग जब साइट पर यूज करते हैं तो एक कितना कितना का रेशियो होता है, कितना का कंक्रीट ग्रेड होता है ना। तो इनके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। आप लोग हमारे इस वीडियो में बने रहिए, आप लोगों को इस वीडियो से बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी। उस कंक्रीट के जो ग्रेड होता है वो जैसे कि M20 लिखा हुआ रहता है, जैसे कि M20 होता है, M25 लिखा हुआ रहता है, M7.5 लिखा हुआ रहता है, M15 लिखा हुआ रहता है। तो ये जो ग्रेड है ये कंक्रीट का ग्रेड है और इस ग्रेड का एक रेशियो होता है और उस रेशियो में हम लोग सीमेंट, बालू और गिट्टी को मिक्स करके कंक्रीट बनाते हैं, मिक्सिंग करके कंक्रीट को बनाते हैं। इसमें जो एम है, एम क्या है इसमें, सब में देख रहे हैं ये एम है, ये एम है, ये भी एम है और एम मतलब क्या होगा, एम मतलब होता है मिक्स। सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट मतलब सीमेंट, हम लिख देते हैं डायरेक्ट सीमेंट, बालू और गिट्टी, गिट्टी इन तीनों का मिक्स करते हैं, या मतलब मिक्स। और 20 जो लिखा हुआ है, इस 20 का मतलब क्या होता है, 20 मतलब इसका होता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ट्वेंटी 20 का मतलब होता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, मतलब 28 डेज के बाद आपका कंक्रीट का जो ग्रेड होगा वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 20 होना चाहिए। ठीक है, 20 कंप्रेसिव स्ट्रेंथ न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होता है। M20 मतलब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होता है, तो 28 दिन के बाद आपका 20 न्यूटन मतलब 20 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होना चाहिए, ये इसका बताता है। तो लेकिन आप लोगों को ज़्यादा अंदर तक जाने की ज़रूरत नहीं है, बस इसका ग्रेड जो होता है कंक्रीट के ग्रेड उसको याद रख लीजिए। सबसे पहले M5 इसका रेशियो क्या होता है, इसका रेशियो होता है 1:5:10। इसका ये रेशियो होता है, इसका M5 का जो रेशियो होगा 1:5:10 होगा। 1 का मतलब सीमेंट, 5 का मतलब बालू, हाँ बालू लिख देते हैं। उसके बाद ये एग्रीगेट मतलब गिट्टी, हाँ गिट्टी, ये गिट्टी हो गया। 1 सीमेंट होगा तो 5 बालू होगा तो 10 गिट्टी होगा। ठीक है, इस तरह का ये रेशियो बनता है। उसके बाद क्या होता है M7.5, इसका M7.5 ग्रेड का जो कंक्रीट होगा इसका रेशियो क्या होता है, इसका होगा 1:4:8, इसका ये रेशियो होगा। उसके बाद आप देखेंगे कि M10 आता है, M10 ग्रेड का कंक्रीट, तो इसका क्या होगा, अनुपात 1:3:6। फिर आता है M15 ग्रेड का कंक्रीट, मतलब 1:2:4। फिर आप देखेंगे M20 भी आता है, ठीक है, M20 का क्या ग्रेड होता है, 1:1.5:3। उसके बाद M25 भी आता है, 1:1:2। उसके बाद M30 भी आता है, तो वो सब डिज़ाइन मिक्स में चला जाता है। ये सब जो है ये नॉमिनल मिक्स में आता है, किस में आता है, नॉमिनल मिक्स में, नॉमिनल मिक्स, ये नॉमिनल मिक्स होता है, नॉमिनल मिक्स है। इतना तक M5 से लेकर M20 तक के मिक्सन को हम लोग बोलेंगे नॉमिनल मिक्स। ठीक है, तो ये इसका ग्रेड होता है। और उसके बाद M25, उसके बाद M25 के बाद जितना भी आएगा ये सब डिजाइन मिक्स में आता है। तो इस तरह का इसका रेशियो होता है। M5 मतलब इसका कंक्रीट का ग्रेड क्या होगा, M5 का 1:5:10, याद रख लेना। अगर आप साइट पर काम कर रहे हैं, कोई इंजीनियर आपसे पूछने आ जाए कि भाई कौन से ग्रेड का कंक्रीट यूज हो रहा है, तो आप उसको बता सकते हैं ग्रेड मतलब ये सब जो आता है ग्रेड आता है।
ग्रेड आता है, ठीक है। M5 यूज हो रहा है ना, ना M7.5 यूज हो रहा है, ना M10 यूज हो रहा है, ना M15 यूज हो रहा है, ना M20, ना M25, ये आपको बताना होगा। अगर आप बताएं कि M20 ग्रेड का कंक्रीट हम लोग यूज कर रहे हैं, तो आपका जो इंजीनियर साहब है वो पूछेंगे कि M20 ग्रेड का जो कंक्रीट होता है उसका रेशियो कितना होगा। तो आप झट से बता देंगे उसको कि 1:1.5, 1:3, मतलब 1 बोरा सीमेंट तो 1.5 बोरा बालू होगा और 3 बोरा गिट्टी लगाएंगे, तो हमारा जो बनेगा वो कंक्रीट बनेगा मिक्सर में। और मैक्सिमम यूज़ जो होता है इसी ग्रेड कंक्रीट का हम लोग साइट पर यूज़ करते हैं। आप लोगों को जब भी साइट पर ड्राइंग मिलता है तो उस ड्राइंग में देखना, साइट पर एक जनरल नोट्स लिखा हुआ रहता है, उसी नोट्स में लिखा हुआ रहता है कि आप जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट में कौन से ग्रेड का कंक्रीट यूज़ करना है, ठीक है। तो उसमें लिखा हुआ रहता है M5 या फिर M7.5, M10, M15, M20, M25, उसमें लिखा हुआ रहता है। अगर उसमें लिखा हुआ रहेगा M25 तो इसका मतलब आप समझ जाना कि 1:1:2 का ही रेशियो हमें साइट पर यूज करना। अगर M20 लिखा हुआ है तो आप लोग समझ जाना कि 1:1:3, इसका मतलब क्या होगा, 1 बोरा सीमेंट होगा तो 1.5 बोरा बालू होगा और 3 बोरा गिट्टी होगा, 1 बोरा सीमेंट, सीमेंट बालू और गिट्टी। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और मैं इसी तरह से वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद।